बीजेपी विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि चंपई सरकार की घोषणा महज दिखावा है। जातीय सर्वेक्षण कराने की घोषणा लोगों को सिर्फ ठगने के लिए है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता इन लोगों के बाहर रास्ता इन लोगों को दिखाएंगे। अमर बावरी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण कराए जाएंगे, यानी जो जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, गणना कितनी है, उसके बारे में सरकार आगे बढ़ी है। कार्मिक विभाग को आदेश दिया गया है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आपको कितना भरोसा है कि ये काम हो जाएगा। अपने मूल वायदे तो जो मैनिफेस्टो में इन्होंने करके 2019 में सत्ता प्राप्त की, वो मैनिफेस्टो पे तभी वो बात ही नहीं करते हैं। जिस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि 5 लाख रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, नहीं तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000-7,000 का, उस पर तभी कोई बात ही नहीं करता है। सभी लोगों को हम परमानेंट कर देंगे, उस पर कोई बात नहीं करता है। खतियान आधारित नियोजन नीति देंगे, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। जनता को 5 साल ठग करके शासन में आ गए और 5 साल ठग करके शासन चला लिया। अब नए हथकंडे, नए कुछ ऐसे भ्रामक चीजें जनता के बीच में लाना कि फिर 5 साल के लिए मेरा रिन्यूअल हो जाए, इससे ज्यादा उनके इस कवायद का कोई मतलब नहीं है। अगर जितने सीरियस रहते हैं, अगर इसको करना रहता तो समय के अनुसार करते, जनता को फिर एक बार भ्रमित करना। वैसे ही जैसे खटाखट करके पैसे देना है, 1 लाख रुपया अभी मिलना है, वो 1 लाख का गारंटी कार्ड भरवा करके अभी लोग भागे फिर रहे हैं, वैसे ही करना है। ये जातीय सर्वेक्षण के विरोधी आप हैं क्या, कि आप पक्षधर हैं? वायदे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने पूछा जो जो जातीय सर्वेक्षण का जो मामला है उसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, वो किस लिए कर रहे हैं? तो सिर्फ ठगने के लिए कर रहे हैं। आप बस इतने एक नट सेल में समझ लीजिए। जनता का मैंडेट बता रहा है, जनता के वोट बता रही है, जो इस सरकार से यहाँ 80 लाख वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी अलायंस को, कि यहाँ जिस तरह से युवाओं को ठगा गया, महिलाओं से जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हुई, इसके लिए इस सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है और इस बार विधानसभा में भी इसको बाहर कर दिखाई। तो आपको लग रहा है सिर्फ चुनावी स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है इसके? नहीं। लेकिन अगर हो जाता है तो इसके अच्छे परिणाम होंगे, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? जब कोई डिसीजन लेने में यदि आपका हिडन एजेंडा या आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, जब आप किसी को ठगने के लिए ही कोई योजना लेके आ रहे थे, तो उसे अच्छे परिणाम का कहां आप करते हैं? तो जातीय सर्वेक्षण से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि ये सरकार सिर्फ चुनाव से पहले लोगों को ठगने के लिए यह सारी घोषणाएं कर रही है, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।